हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? कंपाउंड्स हो गए जिसमें हाइड्रोजन हुआ और कार्बन हुआ, राइट? सिंपल। इनफैक्ट आपके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स होते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन्स के ही बने होते हैं। डिफरेंस क्या हो जाता है? आपकी जो कार्बन चेन है उसमें जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं, जैसे एसिड लगा दिया, ओ, एस, सल्फर, ये सब लगाने से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। बट आपका बेसिक कंपोनेंट जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही होता है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि हम हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एलिफैटिक यानी जो हो गई हमारी स्ट्रेट चेन, और एक हो गया हमारा साइक्लिक। साइक्लिक ऑब्वियसली समझ ही आ रहा है कि एक साइकिल एक चेन के फॉर्म में हो गया। एलिफैटिक स्ट्रेट चेन में हम कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के केस में आपके कौन सा आ जाएगा? एल्केन्स, राइट? ये चीज़ हमें पहले से पता है, वी जस्ट रिवाइजिंग। सैचुरेटेड में एल्केन्स आ जाएगा, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइन्स। क्यों? क्योंकि अभी इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड है। उसमें जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो सैचुरेट होके सिंगल बॉन्ड बना लेगा ताकि एल्केन बन जाए, तो ये अनसैचुरेटेड। साइक्लिक के हम भी तीन पार्ट्स कर लेते हैं। एक हो गया साइक्लो एल्केन्स, एक हो गया साइक्लो एल्कीन्स, और एक हो गया एरोमेटिक्स, राइट? आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि एल्केन्स एल्कीन्स तो हो गया, एल्काइन्स क्यों नहीं लिया? तो एल्काइन्स में आप अगर देखो तो ट्रिपल बॉन्ड का होता है, राइट? हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट चेन में होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो sp है तो ये क्या चाहेगा कि 180 डिग्री पर रहे, तो इसीलिए वो एक चेन फॉर्म नहीं बना पाएगा, वो एक ऐसे बना ही नहीं पाएगा क्योंकि अलाउ नहीं करेगा। ये चाहेगा कि मैं सिर्फ स्ट्रेट में ही आगे चेन बनाऊँ, इसीलिए हमने साइक्लो एल्काइन्स मेंशन नहीं किया है। तो साइक्लिक के तीन हो गए और एलिफैटिक के दो हो गए। एलिफैटिक यानी स्ट्रेट चेन, ठीक है? तो इससे हमें एक फेयर आइडिया तो मिल गया कि हाइड्रोकार्बन्स व्हाट ऑल इट इज अबाउट, और हम इनको एक एक करके इनफैक्ट वील स्टडी, राइट? मेन चैप्टर में जाने से पहले वील बिगिन विथ आइसोमेरिज्म, राइट? दैट्स व्हाट आई मेंशन एज अ सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे, आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हमें पता होना चाहिए क्या होता है। आइसोमर्स तो जिन भी कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कोई और चीज़ में डिफरेंस आ रहा हो, वो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे क्या डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या। आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है? इसके हम दो पार्ट्स कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा स्ट्रक्चरल और एक हो जाता है हमारा स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल में क्या है, आपका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, मतलब जो आपके जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो अलग ओरिएंटेशन में जुड़े हुए हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं। जैसे इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब क्लियर होगा। इसका फर्स्ट आ जाता है चेन आइसोमर्स, सेकंड आ जाता है पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड आ जाता है फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ आ जाता है मेटामर्स, और जो फिफ्थ होता है दैट इज टॉटोमर्स। तो इनमें क्या हो रहा है कि जो एटम्स एक दूसरे पे जुड़े हैं वो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट? विल डिस्कस देम वन बाय वन। एक बार स्टीरियो आइसोमर्स का केस देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की हम तीन कैटेगरी कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सिस ट्रांस। सिस ट्रांस ये बहुत सिंपल चीज़ है, वंस यू गेट टू नो इट बहुत आगे यूज होती है, बहुत ईजी चीज़ है। फिर एक आ जाता है कॉन्फॉर्मेशनल, इसको हम एल्केन्स के केस में डिस्कस करते हैं यूजली। और फिर आ जाता है कॉन्फिग्रेशनल। कॉन्फिग्रेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में ये डिफरेंस है कि जब आपके जो सिग्मा बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड जो होती है आपकी एल्केन्स की, उसकी अबाउट रोटेशन पॉसिबल है तब आ जाता है कॉन्फॉर्मेशनल में, रोटेशन इज पॉसिबल। क्लियर हो जाएंगी चीज़ें वंस वी डिस्कस देम।
और अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो वो आ जाते हैं कॉन्फिग्रेशनल में, कॉन्फिग्रेशनल में फिर वो इनैंशियमस डायसीरियमस ये चीज़ आपकी आगे जाके आएगी, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हम ये वाले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और कॉन्फॉर्मेशनल, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल से, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, नील बना देते हैं, ठीक है। चेन आइसोमर्स, अब हमें पता है कि इसमें एटम्स की पोजिशन डिफरेंट है, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हो गया चेन, एक ये हमें पता है दोनों ब्यूटेन है, ये सिंपल ब्यूटेन हो गया, ये CH3 मैंने लगाया नहीं है कि ऑब्वियस है, मैं हर बार मेंशन नहीं करूँगी, बट ऑब्वियस है कि HH तो आपकी बैलेंसिंग है, ठीक है। और ये हमारा आइसोब्यूटेन है, इसमें अगर आप देखो डिफरेंस क्या है, वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे, तो हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि दिस इज़ एन आइसोमर। अब कौन से टाइप का आइसोमर, इसमें अगर आप देखो तो इसकी मेन चेन में डिफरेंस है, यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन एटम की है और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेन चेन तो 3 कार्बन एटम की है। हम कैसे बता रहे हैं मेन चेन, वो जो नोमेनक्लेचर वाले मेथड से, राइट। इसमें 3 कार्बन एटम की है, तो जब आपकी मेन चेन डिफरेंट हो जाए देन दैट कम्स अंडर चेन आइसोमर्स, राइट। तो ये हो गया चेन आइसोमर स्ट्रक्चरल में। अब आते हैं हम पोजीशन पे, पोजीशन में क्या होता है, आपकी मेन चेन तो सेम रहती है बट आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में फ़र्क आ जाता है, जैसे यहाँ बना देते हैं, इसमें क्या हो रहा है, जब आपके पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर डबल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, आई राइट इट, चेंज इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप्स, तब आपका आ जाता है पोजिशनल आइसोमर्स। इसमें क्या हो रहा है, आपके मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन पहले 1 और 2 के बीच में है और इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, तो क्या हो रहा है, आपकी मेन चेन इज सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ऐसे ही अगर आपका ये होता OH यहाँ होता और एक OH यहाँ होता, इसमें भी क्या हो रहा है, आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, मेन चेन रिमेन द सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे पोजिशनल आइसोमर्स। तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए चेन और पोजीशन में, चेन में जब मेन चेन ही डिफरेंट हो जाए और फंक्शनल में जब हमारी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाए, जिससे यहाँ पे ये CH3 लगा होता, यहाँ पे ये CH3 लगा होता, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ये मेन चेन, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो गया, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गए फर्स्ट 2 टाइप के कौन से हैं, वी कैन ईजिली टेल कि कौन सा मेन चेन है कौन सा पोजिशनल है। फंक्शनल, फंक्शनल में क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप ही जब चेंज हो जाए, राइट। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप एच आराम से खुद से बैलेंस कर देना, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, इसका हम क्या बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा कीटोन। ध्यान से देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, बट ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। और एक और बनाने की कोशिश करते हैं, ये इनॉल हो गया। तो इन सब के क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए फंक्शनल आइसोमर्स में आ जाते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होता है कि व्हेन द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वही इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी। एल्डिहाइड की अलग होती है, कीटोन की अलग होती है, इनॉल फॉर्म की अलग होती है, तो फंक्शनल आइसोमर्स हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेटामर्स, मेटामर्स में क्या होता है, एल्काइलेशन जब डिफरेंट हो, आई जस्ट राइट इट, डिफरेंट एल्काइलेशन अबाउट ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर एटम्स, ठीक है। एक दूसरे पेन से एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, जैसे ये हो गया CCOC, ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। अब क्या कर सकते हैं,
अब क्या हो गया, यहाँ पे दो कार्बन आ गए, यहाँ पे दो कार्बन आ गए, तो क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप जो थे उसके साइड में दे हैव चेंज, यहाँ पर तीन थे यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे दो दो हो गए। तो ऑक्सीजन के अबाउट क्योंकि हमारी एल्काइलेशन बदल गई है, दैट कम्स अंडर मेटामर्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है एल्काइलेशन का चेंज होना। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन होता तो भी हम मान लेते, सल्फर होता तो भी हम मान लेते। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें पोजिशनल में और मेटामर्स में। पोजिशनल में तो क्या, सब्सटीट्यूएंट की पोजिशन चेंज हो रही है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन या फिर कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के अबाउट वो सारे चेंज हो रहे हैं, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे आपका एक एग्जांपल मैं लूँ, इसमें अगर आपको बताना हो, इसमें अगर आपको बताना हो कि क्या है, इसमें ये पोजिशनल, ये हमें पता चल गया मेन चेन तो सेम है, इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं है। हमें अब बताना है या तो ये पोजिशनल में कंफ्यूज हो सकते हैं हम या मेटामर्स में। फंक्शनल तो हमें साफ दिख रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप्स इसके सेम ही है, राइट। तो अगर आप इसमें देखो, आपको लगेगा कि यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट की पोजिशन चेंज हो रही है, पहले वो यहाँ था अब वो यहाँ आ गया, बट विद रिस्पेक्ट टू ओ देखो, विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजिशन चेंज हुई है। पहले यहाँ पे इसके पास इस साइड से कार्बन आ रहा था, अब इसके पास दूर हो गया कार्बन, तो क्या है, ये मेटामर हो जाएगा, इसकी एल्काइलेशन बदल गई है, इसीलिए पहले यहाँ की जगह वो यहाँ आ चुका है, दिस फॉल्स अंडर मेटामर्स। तो मेटामर्स में ये इंपॉर्टेंट है कि एल्काइलेशन बदल जाती है अबाउट ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर एटम। ठीक है, टॉटमर्स, टॉटमर्स हमारे ईजी होते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं। टॉटमर्स क्या है कि जब दो टाइप के कंपाउंड्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, राइट, आइसोमर्स एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। जैसे इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है कीटो इनोल, तो हमने बना लिया एक कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप ये एग्जिस्ट करता है इनोल फॉर्म के साथ, CH3 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 C डबल बॉन्ड C H2 OH। क्या हो रहा है, ये कीटो मतलब कीटो ग्रुप है, ये कीटोन वाला, और ये इनोल, इनोल कैसे बोल रहे हैं, ये इन हो गया और ये ऑल, ऑल अल्कोहल। तो टॉटोमर्स का तो हमारा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है कीटो इनोल। ठीक है, तो वंस वील जस्ट गो थ्रू देम। स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा है चेन, जब मेन चेन में फ़र्क हो, पोजिशनल में जब सब्सटीट्यूएंट्स में फ़र्क हो, फंक्शनल ग्रुप्स जब डिफरेंट जा जाए तो फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स मतलब डिफरेंट एल्काइलेशन, और टॉटोमर्स जब आइसोमर्स एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ सिंपल हो गए। इसके अलावा जैसे आपको कोई भी दो कंपाउंड दे दिए, उसमें आपको कहते हैं कि कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है, टेल अस, तो आप क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स, क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। जैसे आप इसी में देख लो, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या माइंड में आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं क्या, हमें पता चल रहा नहीं हो रहे, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें एल्काइलेशन बदल रही है क्या, इसमें तो हमें पता है एल्काइलेशन बदल रही है, इसलिए हमारा सिंपली आंसर मेटामर्स आ जाएगा। बट अगर किसी केस में एल्काइलेशन भी नहीं बदल रही हो, तो हम मेटामर्स के बारे में सोचेंगे। मतलब ये अप्रोच मैं बता रही हूँ कि कैसे देखना है, अगर आपको कोई दो कंपाउंड्स दे दें, ठीक है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचना है, फिर सोचना एल्काइलेशन तो नहीं बदल रही, फिर देखो मेन चेन, अगर मेन चेन बदल रही है तो फिर तो आपका हो जाएगा चेन आइसोमर्स, और अगर आपको दिख रहा है मेन चेन भी सेम है तो मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस आया होगा, तो आपका हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये एक देखने का तरीका है कि अगर आपको कोई भी रैंडमली दो कंपाउंड्स दे दे तो एकदम से कैसे अप्रोच करें, सबसे पहले फंक्शनल को रिजेक्ट करो, फिर मेटामर्स, फिर चेन, और फिर फाइनली पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये